नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षी पटल पर। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं संपन्न होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। सनातन धर्म में 108 अंक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब माला की संख्या की बात करें तो उसमें भी 108 होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर विज्ञान में भी है और ज्योतिष शास्त्र में भी है। पहला, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है 108। वैदिक धर्म ग्रंथ एवं शास्त्रों में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में 27 तारा मंडल हैं, जिसमें नक्षत्र भी है, जिन्हें नक्षत्र कहा गया है। इन सभी तारा मंडल की चार दिशाएं हैं। यदि हम 27 को 4 से गुणा करें तो 108 आती है, जिसका अर्थ यह निकल कर आता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड 108 अंक का है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा से जुड़ता है 108 का रिश्ता। वेद पुराणों और ऋषि मुनियों ने बताया कि सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा अन्य कितने ग्रह और तारे हैं, उनके बीच में कितनी दूरी है, उनके व्यास कितने हैं इत्यादि। गणित में व्यास, जिसे इंग्लिश में डायमीटर भी कहते हैं, एक चक्र में ऐसी रेखांश होती है जो चक्र के केंद्र से निकलता है और किसी भी अतिबिंदु के चक्र पर स्थित होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस बात का आकलन सैकड़ों वर्ष पहले ऋषि मुनियों द्वारा कर लिया गया था। बता दें कि जितनी सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वह सूर्य के व्यास से 108 गुना अधिक है। चंद्रमा की जितनी दूरी है वह चंद्रमा के व्यास से 108 गुना अधिक है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि सूर्य का कुल व्यास पृथ्वी के कुल व्यास से 108 गुना अधिक है और ज्योतिष शास्त्र से भी 108 का संबंध है। विज्ञान में बताया गया है कि सूर्य के कुल 9 ग्रह होते हैं, जिसमें पृथ्वी तीसरा ग्रह है। वहीं ज्योतिष की 12 राशियां होती हैं। जब किसी व्यक्ति की जन्मपत्री बनाई जाती है तो प्रत्येक राशि में ग्रह भिन्न प्रकार से स्थापित हो सकते हैं। यदि हम आकलन करें तो सभी 12 राशियों में हर ग्रह 108 प्रकार से स्थापित हो सकता है। इसीलिए 108 अंक ज्योतिष पर भी शास्त्र पर भी निर्भर करता है। आयुर्वेद से भी है 108 का विशेष संबंध। आयुर्वेद विद्वानों के अनुसार हमारे शरीर में कुल 108 दबाव बिंदु हैं, जिन्हें अंग्रेजी में प्रेशर पॉइंट कहा जाता है। इन दबाव बिंदुओं पर यदि सही प्रकार से दबाव डाला जाता है, शरीर की कई प्रकार की बीमारियाँ दूर हो जाती, व्यक्ति पुनः निरोगी बन सकता है। इसके साथ ही मनुष्य का शरीर केवल 108 डिग्री फॉरेनहाइट तक ही तापमान सह सकता है। इससे अधिक तापमान यदि होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। भगवान शिव के तांडव में भी 108 का रहस्य छुपा है। वेदों पुराणों में बताया गया, जब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होते हैं, सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं, तो वह मुख्य रूप से तांडव करते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि शिव के तांडव में 108 प्रकार की मुद्राएं हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव 108 मुद्राओं में तांडव नृत्य करते हैं। वहाँ भारतीय शैली में भी 108 प्रकार के नृत्य शैलियाँ हैं। 108 अंक का धार्मिक महत्व क्या है? सनातन परंपरा में 108 को बहुत पवित्र माना जाता है और यही वजह है कि किसी भी माला में 108 मोतिया रुद्राक्ष होते हैं। इसके साथ ही पौराणिक काल में ऋषि मुनियों ने 9 पुराण 108 उपनिषदों की रचना की थी। वहीं भारत में 108 शक्ति पीठ मौजूद हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी वैदिक मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करने से ही पूजा का फल प्राप्त होता है। तो विस्तृत तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे 108 का डिटेल में कैसे 108 का महत्व है। जब करते समय 108 प्रकार की विशेष भेदक ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो किसी भी प्रकार के शारीरिक व मानसिक घातक रोगों के कारण का समूल विनाश और शारीरिक मानसिक विकास का मूल कारण है। बौद्धिक विकास व स्मरण शक्ति के विकास में अत्यंत प्रबल कारण है। 108 यह अद्भुत एवं चमत्कारी अंक बहुत समय काल से हमारे ऋषि मुनियों के नाम के साथ प्रयोग होता आ रहा है। संख्या 108 का रहस्य। A 8 O 3 E 4 U 5 U 6 A 7 A 8 O 9 O 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 K 1 K 2 G 3 G 4 5 6 7 8 J 8 J 9
दस, ट ग्यारह, ढ बारह, ड तेरह, ढ चौदह, ढ पंद्रह, त सोलह, थ सत्रह, द अठारह, ध उन्नीस, न बीस, प इक्कीस, फ बाईस, ब तेईस, भ चौबीस, म पच्चीस, य छब्बीस, र सत्ताईस, ल अट्ठाईस, ब उनतीस, श तीस, श इकतीस, स बत्तीस, ह तैतीस, छ चौंतीस, त्र पैंतीस, ज्ञ छत्तीस, अंगा ढा। ओम अहम ब्रह्म, ब्रह्म ब धन र धन ह धन म, तेईस धन सत्ताईस धन तैतीस धन पच्चीस, यानी कि 108 हो गया। यह मात्रिकाएं 18 स्वर धन 36 व्यंजन यानी 54 नाभि से आरंभ होकर होठों तक आती हैं। इनका एक बार चढ़ाव दूसरी बार उतार होता है, दोनों बार में वे 108 की संख्या बन जाती हैं। इस प्रकार 108 मंत्र जप से नाभि चक्र से लेकर जीवाग्र तक की 108 सूक्ष्म तंत्र मात्राओं का प्रस्फुरण हो जाता है। अधिक जितना हो सके उतना उत्तम है, पर नित्य कम से कम 108 मंत्रों का जप तो करना ही चाहिए। मनुष्य शरीर की ऊंचाई विपरीत जनेऊ की परिधि 4 उंगलियों का 27 गुणा होती है, यानी 4 गुणे 27 यानी 108। नक्षत्रों की कुल संख्या 27, प्रत्येक नक्षत्र के चरण 4, जप की विशिष्ट संख्या 108, अर्थात ओम मंत्र जप कम से कम 108 बार करना चाहिए। एक अद्भुत अनुपातिक रहस्य, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य का व्यास 108, पृथ्वी से चंद्र की दूरी, चंद्र का व्यास 108, अर्थात मंत्र जप 108 बार से कम नहीं करना चाहिए। हिंसात्मक पापों की संख्या 36 मानी गई, जो मन वचन कर्म तीन प्रकार से होते हैं, अर्थात 36 गुणे 3 बराबर 108। अतः पाप कर्म संस्कार निवृत्ति हेतु किए गए मंत्र जप को कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। सामान्यतः 24 घंटे में एक व्यक्ति 21,600 बार सांस लेता है। दिन रात के 24 घंटों में से 12 घंटे सोने व गृहस्थ कर्तव्य में बीत जाते हैं, और शेष 12 घंटों में व्यक्ति जो सांस लेता है वह है 10,800 बार। इस समय में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इसीलिए 10,800 की इसी संख्या के आधार पर जप के लिए 108 की संख्या निर्धारित है। एक वर्ष में सूर्य 21,600 कलाएं बदलता है। सूर्य वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है, 6 माह उत्तरायण में रहता है और 6 माह दक्षिणायन में। अतः सूर्य 6 माह की एक स्थिति 10,800 बार कलाएं बदल लेता है। ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन है। इन राशियों में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु विचरण करते हैं। अतः ग्रहों की संख्या 9 में राशियों की संख्या 12 से गुणा करें तो संख्या 108 प्राप्त हो जाती है। 108 में 3 अंक हैं, 1 धन 0 धन 8। यह इसमें 1 ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर का एक सत्ता है, अर्थात ईश्वर एक है और मन भी एक है। 0 0 प्रकृति को दर्शाता है, अर्थात 8 जीवात्मा को दर्शाता है, क्योंकि योग के अष्टांग नियमों से ही जीव प्रभु से मिल सकता है। जो व्यक्ति अष्टांग योग द्वारा प्रकृति के 8 मूलों से विरक्त होकर ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। जीव 8 को परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए प्रकृति 0 का सहारा लेना पड़ता है। ईश्वर और जीव के बीच में प्रकृति है। आत्मा जब प्रकृति को 0 समझता है तभी ईश्वर 1 का साक्षात्कार कर सकता है। प्रकृति 0 में क्षणिक सुख है और परमात्मा में अनंत और असीम। जब तक जीव प्रकृति शून्य को जो कि जड़ है उसका त्याग नहीं करेगा, अर्थात शून्य नहीं करेगा, मोह माया का त्याग नहीं करेगा, तब तक जीव 8 ईश्वर 1 से नहीं मिल पाएगा, अर्थात 1 8 बराबर 9 को प्राप्त नहीं हो पाएगा, यानी कि 9 पूर्णता का सूचक है। ईश्वर और मन द्वैत दुनिया संसार, गुण प्रकृति माया, अवस्था भेद वर्ण, इंद्रियां विकार, सप्तर्षि, सप्त सोपान, अष्टांग योग, नवधा भक्ति यानी पूर्णता, ये 9 चीजें हुई।
वैदिक विचारधारा में मनुस्मृति के अनुसार अहंकार के गुण 2, बुद्धि के गुण 3, मन के गुण 4, आकाश के गुण 5, वायु के गुण 6, अग्नि के गुण 7, जल के गुण 8, पृथ्वी के गुण 9, 2 यानी 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9, अतः प्रकृति के गुण 44, जीव के गुण 10, इस प्रकार संख्या का योग 54, अतः सृष्टि की उत्पत्ति की संख्या 54 एवं सृष्टि प्रलय की संख्या 54, दोनों संख्याओं का योग 108। संख्या 1 एक ईश्वर का संकेत है। संख्या 0 जड़ प्रकृति का संकेत है। संख्या 8 बहुआयामी आयामी जीवन जीवात्मा का संकेत है। यह 3 अनादि परम वैदिक सत्य है। यह पवित्र त्रेतवाद है। संख्या 2 से 9 तक इस बात यह बात सत्य है कि इन्हीं 8 अंकों में 0 रूपी स्थान पर जीवन है। इसीलिए यदि 0 ना हो तो कोई क्रम गणना आदि नहीं हो सकती। 1 की चेतना से 8 का खेल, 8 यानी 2 से 9। यह 8 क्या है? मन के 8 वर्ग या भाव। यह 8 भाव वे काम, विभिन्न इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यानी जलन, ज्ञान, वैराग। एक सामान्य आत्मा से महानात्मा तक की यात्रा का प्रतीक है 108। इन 8 भावों में जीवन का यही खेल चल रहा है। सौर परिवार के प्रमुख सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियाँ निकलती हैं और ये चारों ओर से अलग अलग निकलती हैं। इस तरह कुल 36 रश्मियाँ हो गई। इन 36 रश्मियों के ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने। इस तरह सूर्य की 9 रश्मियाँ जब पृथ्वी पर आती हैं तो उनका पृथ्वी के 8 वसुओं से टक्कर होती है। सूर्य के 9 रश्मियाँ पृथ्वी के 8 वसुओं के आपस में टकराने से जो 72 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई वह संस्कृत के 72 व्यंजन बन गई। इस प्रकार ब्रह्मांड में निकलने वाली कुल 108 ध्वनियाँ पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। रहस्यमय संख्या 108 का हिंदू वैदिक संस्कृति के साथ हजारों संबंध है, जिनमें से कुछ का संग्रह है। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।